उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोरों में पुलिस का कोई भय नहीं रह गया है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा के सुरजन नगर का है, जहां टाटा कंपनी के एक एटीएम को चोरों ने तोड़ डाला और नकदी चुराने की कोशिश भी की। मकान मालिक की आहट पाकर आंख खुल गई। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गए। पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी करके दोनों चोरों को मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया। इनके पास से पुलिस ने एक तमंचा व 3 जिंदा कारतूस व अन्य सामान भी बरामद किए हैं। थाना ठाकुर द्वारा में सुरजन नगर क्षेत्र में कल रात एक एटीएम काटकर उससे कैश चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए घटना में सम्मिलित 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर एटीएम का कीपैड और बाकी घटना में प्रयुक्त औजारों को बरामद किया गया है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? ये जनपद बिजनौर के रहने वाले हैं और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि इनका पास्ट प्रीवियस क्रिमिनल इतिहास क्या रहा है, उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही साथी 2 चोर हैं जिन्होंने टाटा के एटीएम को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया था, लेकिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बहरहाल पुलिस ने इन चोरों से कई मामलों का खुलासा भी किया है। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से शहादत अली की रिपोर्ट।